तो अभी अपन लोग देखेंगे कि ऑटोडेस्क रिवेट है क्या, सिविल इंजीनियरिंग में इसका क्या यूज है, ठीक है ना, और आप लोग कैसे अपनी सिविल इंजीनियरिंग लाइफ को इजी बना सकते हो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ अपने प्रेजेंटेशन को, सो दैट कि आप सारी चीज अच्छे से देख पाओ। ठीक है, ओके, मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नाउ सी, ऑटोडेस्क का ही प्रोडक्ट है जो 3DS, जिसने 3DS Max बनाया है, जिसने ऑटो कैड बनाया है, ठीक है, जिसने सिविल 3D बनाया है, ऑल दैट, उसी का प्रोडक्ट है हमारा रिवेट भी। पर रिवेट क्या है ना, एक ब्रॉड टर्म, एक बड़ा सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कैसे है। तो ये छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसके बाद हम लोग फिर सॉफ्टवेयर पे जंप कर जाएंगे, ठीक है ना। चल, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिवेट? लोगों ने आज तक कभी रिवेट का नाम नहीं सुना है, हो सकता है कुछ एक जिन्होंने सुना हो, पर बाकी जिन्होंने नहीं सुना, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रिवेट एक्चुअल में है क्या। मतलब बहुत सारे जने कंफ्यूज कर सकते हैं इस चीज को 3DS Max के साथ या ETAPS के साथ में, पर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, और अलग क्या, ये पूरा स्टैंड ऑफ करता है अलग से। तो ऑटोडेस्क रिवेट क्या है? इट इज अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। क्या है ये? एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। अब सर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होता है? बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग मतलब सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाती है और सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स है, जो एलिमेंट है, वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होते हैं। मतलब कि अगर आप कहीं पे टॉप फ्लोर पे एक बल्ब भी हटाते हो, तो आपके टोटल जो शेड्यूलिंग चल रही होगी कहीं पे, अगर आइटम्स का कहीं लेआउट की शेड्यूलिंग चल रही है, तो वो शेड्यूलिंग में भी एक बल्ब का मटेरियल कम होगा। एवरीथिंग विल बी लिंक्ड। यहाँ बल्ब से लेके सैनिटरी से लेके एक ब्रिक, एक टाइल तक भी अगर आप ऊपर नीचे करोगे, तो आपके पूरे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ जाएगा। और ये सारी चीजों का एक जगह पे होना, उससे हम कहते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये एक प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, जिसमें अपन सारी चीजों को एक साथ काम करते हैं। तो इट इज अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्ट्स, इसको आर्किटेक्ट्स भी यूज करते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग इंजीनियर्स, दैट इज MEP इंजीनियर्स इनको बोलते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। डिजाइनर्स भी यूज करेंगे एंड कॉन्ट्रेक्टर्स भी यूज करेंगे। तो इसमें अपन सिविल वाले तो नो डाउट सारी चीजें लगभग करते हैं, क्योंकि आजकल एक सिविल वाले को सब काम करना होता है, आर्किटेक्चर का काम भी करना है उसको, लैंडस्केप भी बनाना है उसको, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी है, MEP भी आपको ही देना है सब कुछ, ठीक है, और डिजाइनर भी आप ही हो, फिर कभी किसी किसी केस में तो कॉन्ट्रेक्टर भी अपन ही होते हैं, ठीक है, वो वाली बात है। सो ये वन प्लेस है हमारे पास, ठीक है ना, वन स्टॉप प्लेस है सारी चीजों के लिए, रिवेट। एक सिविल इंजीनियर को रिवेट आना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपको क्या करेगा, ऑटोकैड का काम करके भी दे देगा, ठीक है, आपको 3DS Max का काम करके भी दे देगा, या स्केचअप बोलो, जो भी बोलो, वो काम भी करके दे देगा। तीसरा, ये आपको एनालिसिस भी करके दे देता है आजकल तो, ठीक है, जो ETAPS करता है, जो स्ट्रट प्रो करता है ना, वो ये एनालिसिस भी करके देता है। इसमें छोटे छोटे प्लगइन्स आते हैं, मैं बाद में जब लेक्चर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो प्लगइन्स ऐड हो जाते हैं जो एनालिसिस भी करके देता है। आजकल डिटेलिंग के प्लगइन्स भी आ गए, वो भी बहुत अच्छे, डिटेलिंग भी करके दे देता है। तो और क्या चाहिए, एक ही सॉफ्टवेयर करो बस। और ऐसा भी नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर मतलब सपोर्ट नहीं करता कहीं दूसरी जगह पर, बहुत अच्छा इसका कंटेंट शेयरिंग तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कंटेंट शेयर हो जाते हैं। तो ऑटोकैड में आप चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहां से इंपोर्ट कर सकते हो, रिवेट की कोई फाइल है, रिवेट की जो फाइल है उनको भी आप आराम से ETAB और इधर स्टड के अंदर लिंक वगैरह करवा सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज क्वाइट गुड थिंग इन दिस रिवेट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इट अलाउ आर्किटेक्ट्स एंड अदर बिल्डिंग प्रोफेशनल्स, मतलब कि हम, टू डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट अ बिल्डिंग बाय क्रिएटिंग अ पैरामेट्रिक 3D मॉडल दैट इंक्लूड्स बोथ ज्योमेट्री एंड नॉन ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन। हम इसमें कुछ इस तरीके से 3D मॉडल बनाएंगे कि उसमें सारी ज्योमेट्री वाली चीजें भी होगी और नॉन ज्योमेट्रिक चीजें भी होगी। नॉन ज्योमेट्रिक चीजें इन द सेंस लाइक एनोटेशंस हो गए ना। एनोटेशंस क्या होते हैं, जैसे कोई चीज कितनी लंबी है, अपन ने ऑटोकैड में देखा था उसकी लेंथ, उसका एंगल, वो सब। तो एक तरीके से मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुमको नॉन ज्योमेट्रिक डिजाइन का, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें हमको एक ही जगह पे मिल जाएगी, उसके बाद हमारे प्लंबिंग वगैरह सब हमको एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। तो BIM एक तरीके से गाइज एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। BIM कोई नाम नहीं है किसी सॉफ्टवेयर का, BIM, BIM, दैट इज बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन एक ही जगह पे खड़े होकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्डिंग की पा सकें, उस जगह को जो मतलब उस जगह के जो लायक होगा सॉफ्टवेयर, उसको हम BIM सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो रिवेट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, BIM को पाने की कोशिश करते हैं। हम एक जगह रिवेट पे जाके हम सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मुझे क्लाइंट बोले कि कितने लाइटें लगी आपके घर में, तो मैं उसी वक्त बता दूं कितनी लाइटें लगी। वो पूछे कि स्टेयर्स में कितना स्टील लग रहा है, तो मैं उसी टाइम बता दूं स्टील में कितना लगेगा। क्वांटिटी टेक ऑफ भी होता है इसमें, ठीक है। अगर वो मुझसे पूछे कि मुझे एक 3D रेंडर बताओ इसका, तो 3D रेंडर भी उसी टाइम अच्छा सा मिल जाएगा। वो बोलेगा फाउंडेशन की डिजाइन बताओ, उसी वक्त फाउंडेशन की डिजाइन भी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन डिजाइन के लिए अपन सेफ खोल रहे हैं या स्टड फाउंडेशन खोल रहे हैं, फिर क्लाइंट खड़ा हुआ है तब तक,
फिर आप एनिमेशन देखने के लिए आप 3ds Max खोल रहे हो रेंडरिंग के लिए, तो वो नहीं, एक ही जगह पे सारी चीजें। चलो सॉरी एक लाइन लगी थी। सो द रिवर्ट वर्क एनवायरमेंट अलाउ यूजर टू मैन्युपुलेट होल बिल्डिंग और असेंबलीज इन द प्रोजेक्ट एनवायरमेंट और इंडिविजुअल 3D शेप्स। मॉडलिंग टूल्स कैन बी यूज विद प्री मेड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेड ज्योमेट्री मॉडल्स। आप मॉडलिंग खुद भी कर सकते हो और इसमें इम्पोर्ट भी होता है, मतलब कल को आपने अगर कुछ कहीं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कुछ बना दिया, लाइक ऑटोकैड में आपने 3D में कुछ बना दिया या ऑटोकैड में आपने ड्राफ्टिंग में कुछ बना दिया 2D में, तो आप उसको इजीली इधर इंपोर्ट भी कर सकते हो। उसका वर्क एनवायरमेंट इतना अच्छा है कि आप पर्टिकुलरली किसी एक चीज के ऊपर भी काम कर सकते हो या ऑन द होल पूरा भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोग ये मान के चलो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है हम सिविल इंजीनियर्स के लिए जो हमको सब करके देता है। क्या क्या करके देगा स्पेसिफिकली मैं अभी आगे वाली स्लाइड्स में फटाफट फटाफट और बताऊंगा तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, सॉरी ज्यादा नेक्स्ट हो गया। ये पूछ रहा है द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय रिवेट, क्या मेजर जो फैसिलिटीज होती है वो रिवेट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आप जो भी चीज बना रहे हो उसका आपको एक प्रिंटआउट मिलेगा अच्छा खासा, मतलब आप अगर एक इवेंट ड्राफ्टिंग भी कर रहे हो, एक नक्शा भी बना रहे हो, तो उस नक्शे को आप आराम से प्रिंट कर सकते हो, इतनी अच्छी फैसिलिटी देता है। उसके बाद डोर का शेड्यूल, विंडो का शेड्यूल, प्लम्बिंग का शेड्यूल, सारा शेड्यूल आपको मिलेगा, लाइक लेंथ ब्रेथ हाइट के साथ कितने नंबर है, जैसे अपन एस्टिमेशन में करते हैं ना लाइक दैट, कुछ हद तक अपन को एस्टिमेशन का हिस्सा भी करके दे देगा, ठीक है। तो कुछ हद तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉस्ट का शायद मेरे हिसाब से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्लगइन होगा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। देन वी हैव द विजुअलाइजेशन, यू कैन विजुअलाइज 3D कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो और आप उसको एनालाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। दीज आर द मेन थ्री यू कैन से बिग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द रिवेट, ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी इसके अंदर और अपन अंदर एक एक करके चलेंगे लुक की कैसे होता है, ठीक है। फंक्शनलिटी ऑफ रिवेट कैसी रहेगी हमारे पास, ये प्लानिंग कर सकता है, हमको प्लानिंग कराने में हेल्प कर सकता है, ड्राफ्टिंग कराने में हेल्प करता है, हमको ड्राफ्टिंग इन द सेंस 2D बनाना, ठीक है ना। डोर को अपन जो वॉल्स जब बनाते हैं तो 9 इंच की कैसे बनानी है, 4 इंच की कैसे बनानी है, 9 इंच की वॉल बना रहे हैं उसको अंदर ऑफसेट देना है या बाहर ऑफसेट देना है या सेंटर लाइन पे रखना है, वो सारी चीजें हमको ये हेल्प कराने में देता है, ठीक है। हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद देख सकते हैं कितनी रिएक्शन जनरेट हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं कोई स्ट्रक्चर फेल तो नहीं हो रहा, वो सारी चीजें इसमें हो जाती है। 3D मॉडलिंग कर सकते हैं हम लोग, जो हम 3ds मैक्स में, स्केचअप में, इनमें सब में करते हैं वो अपन यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। और इसका मेन जो होता है एक लास्ट, वो होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, कि कहाँ पे हमको इलेक्ट्रिकल वायर्स की लाइन लगानी, कहाँ फैन लगाने हैं, अगर लगाने हैं तो उसका प्लान कैसे जनरेट करोगे, ठीक है ना। तो उसका प्लान भी जनरेट करना पड़ता है। जब हमारे पास कोई आता है नक्शा बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं कि अपने लेवल वन ग्राउंड फ्लोर, लेवल वन लेवल टू ऐसे बना के दे दिया, उसके साथ साथ अपन को इलेक्ट्रिकल प्लान और प्लम्बिंग प्लान भी बनाना पड़ता है, ठीक है, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू विद द रिवेट बीम, रिवेट बीम मींस रिवेट को हमने बीम इसलिए बोला है कि हमको बीम सॉफ्टवेयर, बीम जो प्रोसेस है वो हेल्प करवा रहा है बनाने में। हम लोग इसमें ग्राउंड प्लान्स बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक प्लान आपको सामने दिख रहा होगा, वी कैन मेक अ ग्राउंड प्लान लाइक दिस, ठीक है। इस ग्राउंड प्लान के अंदर आप सब चीजें डिनोट कर सकते हो, लाइक विंडोज, ठीक है, स्टेयर्स, किचन के अंदर आपके पास कोई फर्नीचर, कोई जरूरी नहीं सिर्फ किचन, कहीं पे भी कोई फर्नीचर है तो वो, ठीक है। अगर आपकी कोई कर्व्ड बालकनीज है या ऐसा कुछ है तो वो भी आप इसमें बहुत अच्छे से बना सकते हो। कॉलम्स अगर आपके आर्किटेक्चरल हैं वो भी आप इसमें बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये इतना ईजी होता है। आप सेक्शन ऑन प्लान बना सकते हो। सेक्शन ऑन प्लान क्या होता है, देखो कि मतलब जैसे ये पूरा आपका प्लान है घर का अभी जो सामने दिख रहा है, ठीक है, मेरे को सिर्फ इसके बीच का एलिवेशन देखना है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसके बीच का कट देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे एक कट लगा के इस पूरे एरिया का एलिवेशन भी देख सकते हो, मतलब सिर्फ इस सेक्शन का कट लगा के, क्रॉस सेक्शन लगा के। अभी आज वाले लेक्चर में थोड़ा और आगे बताऊंगा मैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो आप सेक्शन देख सकते हो, आप एलिवेशन देख सकते हो, लाइक फ्रंट एलिवेशन देखना है, ये आपको साइड एलिवेशन देखना है, ठीक है। यू कैन वॉच एवरीथिंग इन 3D, ठीक है, 3D में, मतलब उसको 2D में के हिसाब से भी आप देख सकते हो। डिटेलिंग भी आजकल इसमें स्टार्ट हो गई है प्लगइन्स यूज करके, तो यू कैन इजीली डिटेल दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको जो भी स्ट्रक्चर, हाँ स्टील स्ट्रक्चर भी बनेगा इसमें, सिर्फ ऐसा नहीं कि RCC बनेगा, स्टील भी बनेगा, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। फ्रंट सेक्शनल एलिवेशन, अगर आपके पास कोई सेक्शनल एलिवेशन चाहिए, मतलब जैसे मैंने बिल्डिंग को क्या कर रखा है, आधा काट रखा है, तो इसका बीच का कोई एक सेक्शन है हमारे पास, उसकी फ्लोर हाइट्स दे रखी है यहाँ पे साइड में, और सारी डिटेलिंग है इसमें, डोर्स, आपकी रेलिंग्स वगैरह, अगर आप इनमें से किसी चीज को हाइड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी हमारे पास फीचर होता है, हम धीरे धीरे करके वो चीजें देखेंगे। शेड्यूलिंग जनरेट करता है ये, शेड्यूलिंग मतलब कितने डोर लग रहे हैं, कितने आपके विंडोज लग रहे हैं और कैसे कैसे लग रहे हैं, उनकी थिकनेस, उनकी विड्थ, उनकी हाइट, उनकी सिल हाइट, उनकी हेड हाइट, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। आप उनके अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, चेंज कर सकते हो इसमें, जैसे नाम का कॉलम आ नहीं रहा, बट यू कैन गिवन गिव देम द नेम, ठीक है ना, तुमको नाम भी दे सकते हो। सो इट इज क्वाइट एज इजी दैट, और पूरी पूरी टेबल बन जाएगी ऐसी, टेबल पूरी की पूरी अपनी ड्रॉइंग के साथ में लगा दो और साइट पे भेज दो,
तो वो समझ जाएंगे यहाँ यहाँ डोर लगेगा और इतने बाय इतने का डोर लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस डोर की इन लोगों ने विड्थ बता रखी है और हाइट बता रखी है, 3-4 का है और 6-11 का क्या है ऊंचा है, और उसकी जो थिकनेस है वो समथिंग कुछ ऐसे बता रखी है हमारे। सिल हाइट तो उसकी कुछ होती नहीं, वो तो नीचे ही होता है ग्राउंड पे, ठीक है। और हेड हाइट उसके अराउंड 6-11 है, ठीक है, मतलब अराउंड 7 फिट है, तो दैट इज क्वाइट गुड। तो ऐसे अपन जितने भी डोर बनाएंगे ना, हम डोर की साइजेस भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप कोई अलग ही डोर बनाना चाह रहे हो वो भी आप डाल सकते हो, और प्री डिफाइंड इसके अंदर फैमिलीज होती है उससे भी आप डोर यूज कर सकते हो। एक मेटेरियल टेक ऑफ की भी फैसिलिटीज में होती है। मेटेरियल टेक ऑफ क्या होता है, जो जूनियर क्लासेस वाले मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब भी आप बिल्डिंग पूरी बनाते हो ना, तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमसे कोई पूछ दे पूरी बिल्डिंग में कॉन्क्रीट कितना लग रहा है, या कोई पूछ ले पूरी की पूरी बिल्डिंग बताओ स्टील कितना लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मटेरियल टेक ऑफ। इसमें एक मटेरियल टेक ऑफ होता है, वो लास्ट में बता देता है कि आपका कितना कंक्रीट लग रहा है पूरी की पूरी बिल्डिंग में, ठीक है, और कितना आपका स्टील लग रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी, कोई जरूरी नहीं सिर्फ कंक्रीट और स्टील, आप ब्रिक्स भी बताएगा, ये टाइल्स भी बताएगा अगर आप लगा रहे हो तो, एवरीथिंग विल बी शोन देयर, ठीक है ना। इट इज क्वाइट एज हैंडफुल एज दैट, ठीक है। देन वी हैव द डिजाइन ऑप्शंस। डिजाइन ऑप्शंस, यू कैन डेवलप एंड स्टडी मल्टीपल साइमल्टेनियसली डिजाइन अल्टरनेटिव्स टू मेक की डिजाइन डिसीजन। आप आराम से इसमें चीजों को चेंज करो, ठीक है, और देखो परफेक्टली आपके लिए कौन सा सूट करता है और उसको यूज करो, विजुअलाइजेशन करो, क्वांटिफिकेशन करो, अदर डाटा एनालिसिस करो, और फिर आपका डिसीजन, ठीक है ना। तो इतना आप उनको एंटी फीचर देता है, ठीक है। डिजाइन विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स हम लोग फोटो रियलिस्टिक रेंडर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें वीरे भी यूज होने लग गया, पहले वीरे नहीं था रिवेट के अंदर, अब आजकल जो 3ds Max के अंदर वीरे लगता है वो अब रिवेट के अंदर भी हमारा लगता है, मेंटल रे ऑन ऑल दैट। तो ये क्या होते हैं, हमारे रेंडर इंजन होते हैं जो लास्ट में आपको बहुत अच्छे से रेंडरिंग करके देते हैं। तो पहले मैं मेरे पर्सनल लेवल पे बताऊं, मुझे रिवेट बहुत पसंद है, पर मैं पहले सिर्फ रिवेट में एक ही चीज को गंदा मानता था, वो थी इसकी रेंडरिंग। ये रेंडरिंग अच्छे करके नहीं देता था, तो उसके लिए फिर अपन को फिर वही दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, पर अब रिवेट ने अपने आपको बहुत अच्छा कर दिया है। रिवेट का इवन जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया 2020, मैं आपको 2017 पे कराऊंगा, ठीक है ना, आप उससे पीछे पे मत जाना, ठीक है, उससे पीछे पे मैं आपको फाइलें शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो 2021 आया जो उसका इनबिल्ट भी जो रेंडर है ना वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग आप सेटअप्स कर सकते हो और उससे बहुत अच्छा रेंडर निकल गया था, ठीक है। तो 2017 से नीचे वाला मत जाना। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग रेंडर इंजन यूज करके बहुत अच्छे से रेंडरिंग चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो भी इसमें फैसिलिटी है, लाइक वन स्टॉप प्लेस है अपने लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। इसमें ऐसे 3D मॉडल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास बहुत अच्छी से अच्छी रेंडरिंग्स भी बन जाती है। वही सब कर सकते हैं, लाइटनिंग लगाना वगैरह, आपको जो भी हम लोग 3ds Max स्केचअप वगैरह इनके साथ करते हैं, सारी चीजें लगभग यहाँ पे भी हमारे साथ हो जाती है और क्वाइट अच्छे रेंडर्स निकल के आते हैं। तो मेरा कहा मानना, अब अगले जब भी 45 दिन तक हमने अप्रोक्स माना है कि ये ट्रेनिंग शायद चलेगी, अगर 45 दिन तक चलती है तो आप लोग प्लीज आओ और इस चीज को पढ़ो, और अगर नहीं भी पढ़ते हो ना तो प्लीज मेक श्योर कि आप पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो क्या है, कल को 5 लोगों के बीच में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तेरे को रिवेट आता है, तुम बोलोगे नहीं यार मुझे तो रिवेट नहीं आता, तो फिर वहां पे तुम्हारी बेइज्जती होने की, तुम सिविल इंजीनियर तुम्हें रिवेट नहीं आता। 3ds Max गाइस एंड स्केचअप, ये मॉडलिंग है, ये आपको कुछ नहीं देने वाले जिंदगी में, आपको डब्बे बना के दे देंगे बस। ये रिवेट ईटैब्स का हो या स्ट्रट प्रो करो, ये मेन आपके काम के है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वाला है। 3ds Max क्या है ना, जैसे अभी अपना ARVR जो चल रहा है वो नो डाउट अभी इंडस्ट्री में बहुत ऊपर की तरफ चल रहा है, तो वहां पे आपको वो हेल्प करेंगे, और सिविल इंजीनियर्स के लिए भी VR और AR अभी बहुत अच्छा चल रहा है। तो जिन लोगों का मोटिव ARVR है या शो ऑफ है, वो लोग 3ds Max और स्केचअप को पढ़ें, मेरा ये कहना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 3ds Max कुछ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो थोड़ा कम है हमारे यूज के लिए, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक शो ऑफ बना के दे देगा आपको। 3ds Max का एक अगर आप मॉडल बना के दे दो किसी क्लाइंट को, और क्लाइंट पूछे कि मेरे को अंदर किचन में देखना कितनी टाइलें लगी हुई, तो वो 3ds Max बताएगा क्या, नहीं बता सकता वो, है ना, वो वाली बात है। तो वो बताएगा कौन, हमारा रिवेट, या अगर आप और कोई दूसरा आपके पास बिम सॉफ्टवेयर हो तो, ठीक है ना। सो और भी बहुत सारे बिम सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है सिर्फ रिवेट ही है, एक दो और सॉफ्टवेयर है, को भी नाम याद नहीं रहे, टेक्ला वगैरह के भी एक दो है, वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन लोग जाएंगे रिवेट पे। आई होप आप लोगों ने सबने रिवेट चालू कर दिया हो, इंस्टॉल कर दिया हो, अगर नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इंस्टॉल करें, क्योंकि मैं करता जाऊंगा और फिर तुम लोग ब्लैक हो जाओगे पीछे, तुमको पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी और को करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, यार सर ने यार बिल्डिंग बना दी क्या बात है, पर जब तुम खुद करोगे तो दैट विल बी क्वाइट चैलेंजिंग, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द रिवेट।